दोस्तों WWE ने रेसलमेनिया 40 की जो बिहाइंड द कर्टेन वाली डॉक्यूमेंट्री है वो दोस्तों रिलीज कर दिया है। और इस डॉक्यूमेंट्री को दोस्तों मैंने पूरा देख लिया है। ये लगभग 1 घंटे के आसपास की हमें डॉक्यूमेंट्री देखने को मिली है। बिहाइंड द सीन किस तरीके से रोमन रेंस और दरो का जो ओरिजिनल प्लान था वो रेसलमेनिया 40 के लिए होने वाला था, किस तरीके से जो प्लान्स है वो शिफ्ट हुए, किस तरीके से सेथ रोलंस ने अपनी रिकवरी करी, किस तरीके से दरोक ने अपनी एंट्रेंस के अंदर चेंज किया, करेक्टर के अंदर चेंज किया, रोमन रेंस ने किस तरीके से इस मैच के ऊपर अपना रिव्यू दिया। तो दोस्तों पूरा इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर एक वेब सीरीज वाला आपको 1 घंटे का मजा मिलने वाला है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में, पूरा मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ। वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी जरूर होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको रेसलमेनिया के बिहाइंड द कर्टन वाले जो सीन्स हैं, जो पूरी स्टोरी है वो जानने को मिलने वाली है। तो वीडियो दोस्तों वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को लाइक और डेली ऐसे ही WWE की लॉन्ग शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर, जहां पर दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री की स्टार्टिंग होती है, जहां पर ट्रिपल एच प्लेन के अंदर बैठे हुए हैं और ट्रिपल एच यहां पर बोल रहे हैं कि रेसलमेनिया 40 साल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी रेसलमेनिया देखने को मिली है। दोस्तों इसके बाद यहां पर ट्रिपल एच बताते हैं कि रेसलमेनिया 40 के लिए प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जो रेसलमेनिया का वर्क प्लान था वो 80% अक्टूबर के अंदर ही डन हो गया था। इसके बाद यहां पर कोडी रोड्स और रोमन रेंस के रेसलमेनिया 39 जो कि हॉलीवुड से हमें देखने को मिली थी उसके बारे में यहां पर बातचीत होती है कि किस तरीके से रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया, लेकिन जो कोडी रोड्स है वो स्टिल अपने पाथ पर है और उनका सिर्फ एक ही पाथ है कि वो रेसलमेनिया के अंदर अपनी जो स्टोरी है वो फिनिश करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हमें दरोक देखने को मिलते हैं, जहां पर दोस्तों दरोक बताते हैं कि जो उनकी फर्स्ट बातचीत है वो निक खान के साथ दिसंबर 2021 के अंदर हुई थी, जहां पर उन्होंने रेसलमेनिया 39 के बारे में बात करी थी कि रेसलमेनिया 39 किस तरीके से देखने को मिल सकती है। और वहां पर दोस्तों प्लान ये था कि रोमन रेंस और दरोक का जो मैच है वो रेसलमेनिया 40 के अंदर होने वाला है। इसके बाद दोस्तों दरोक हमें पैट मैकेफी के शो पर देखने को मिलते हैं, जहां पर दरोक ने इस बात को पब्लिकली रिवील किया कि दरोक वर्सेज रोमन रेंस जो प्लान है वो रेसलमेनिया 39 के लिए लॉक था। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। और इसके बाद दरोक ने फिर ये बात रिवील करी थी कि रेसलमेनिया जो फिलाडेल्फिया से होने वाली है रेसलमेनिया 40, वहां पर हमें ये बड़ा मैच देखने को मिलने वाला है। और इसके ठीक बाद दोस्तों जो स्मैकडाउन का शो हमें देखने को मिला था, वहां पर दोस्तों दरोक की अपीयरेंस होती है, जहां पर पैट मैकफी और ऑस्टिन थ्योरी के साथ दरोक ने एक सेगमेंट किया था। और इसके बाद दोस्तों दरोक यहां पर बताते हैं कि किस तरीके से जो मेरा प्लान था वो मंडे नाइट रो के एपिसोड में आने का बनता है, जहां पर डे वन जहां पर जिंडर माहौल के साथ उन्होंने सेगमेंट कट किया। और इसी के साथ साथ दोस्तों वहां पर दरोक ने फर्स्ट टाइम रोमन रेंस का जो हेड ऑफ द टेबल वाला जो उनका गिमिक है उसके बारे में बात करी और दरोक ने बोला कि शुड आई सिट ऑन द हेड ऑफ द टेबल। और इसके बाद दोस्तों इंटरनेट के ऊपर रोमन रेंस और दरोक के मैच के बारे में बातें शुरू हो गई थी। इसके बाद दोस्तों हमें डॉक्यूमेंट्री के अंदर बताया जाता है कि 23 जनवरी को दरोक ने TKO ग्रुप को ज्वाइन किया, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो पोस्ट है वो दोस्तों दरोक ने संभाली। और इसके बाद जो पूरा लैंडस्केप है वो दोस्तों दरोक ने चेंज करके रख दिया। और इसके ठीक बाद दोस्तों 27 जनवरी को हमें रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों कोडी रोड्स उस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन कोडी रोड्स को दोस्तों यहां पर ये बताया गया था कि तुमको रोमन रेंस के ऊपर पॉइंट नहीं करना है, लेकिन स्टिल दोस्तों कोडी रोड्स ने पॉइंट किया रोमन रेंस की तरफ कि रेसलमेनिया के अंदर जो मैच है वो रोमन रेंस और कोडी रोड्स का ही होने वाला है। तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ पर ये था कि जो ओरिजिनल प्लान था वो दोस्तों ट्रिपल एच का यहाँ पर रोमन रेंस और दरोक का ही था रेसलमेनिया 40 के लिए, लेकिन जो कोडी रोड्स है वो इस बात को जान चुके थे कि जो स्टोरी है वो शिफ्ट हो चुकी है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ट्रिपल एच ने ये बात भी रिवील करी कि CM पंक वर्सेज सेथ रॉलिंस का जो मैच है वो रेसलमेनिया के लिए लॉक था, लेकिन रॉयल रंबल मैच के दौरान CM पंक को इंजरी हो गई, जिसकी वजह से जो पूरा जो मैचेस के शिफ्ट है दोनों मेन टाइटल्स के जो मैचेस थे वो दोस्तों काफी ज्यादा यहां पर इफेक्ट हुए। और इसके बाद दोस्तों स्मैकडाउन यानी जो 2 फरवरी को हमें स्मैकडाउन का एपिसोड देखने को मिला था, वहां पर इस चीज को क्लियर किया गया कि कोडी रोड्स रोमन रेंस को फेस नहीं करने वाले रेसलमेनिया के अंदर। और वहां पर दोस्तों हमें दरोक और रोमन रेंस का स्टे डाउन देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों इसके बाद तो इंटरनेट के ऊपर पूरी एक तबाही आ गई थी कि रोमन रेंस और दरोक का जो मैच है वो फाइनली होने वाला है। और इसके बारे में दोस्तों दरोक ने भी बात करी थी
लेकिन ये सब चीज़ें होने के बाद दोस्तों कोडी रोड्स काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट थे अंदर से। ये दोस्तों उन्होंने डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी रिवील किया है, जहाँ पर कोडी रोड्स ने बताया कि फैंस मेरे ऊपर भरोसा करके चल रहे थे कि इस साल मैं रेसलमेनिया के अंदर स्टोरी को फिनिश करने वाला हूँ, लेकिन जो फैंस का भरोसा है वो यहाँ पर टूटने वाला है। लेकिन इसके बाद दोस्तों इंटरनेट के ऊपर हमें 72 घंटे तक वी वॉन्ट कोडी ट्रेंड के अंदर देखने को मिलता है। और इसके बाद दोस्तों दरोक ने यहाँ पर एक सीक्रेट बात रिवील करी। दोस्तों दरोक ने यहाँ पर ये बताया कि जो कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच हुआ है ये दोस्तों मेरा ही आइडिया था, क्योंकि मैंने फैंस की सुनी है। और इसके बाद दोस्तों दरोक ने इस बात को भी रिवील किया कि हमारी जो मार्केटिंग आइडियाज़ हैं वो रेसलमेनियाज के लिए आगे WWE के वो काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने एक बात को और क्लियर किया कि मल्टीपल जो मैचेस है वो हमें रोमन रिंग्स और दरोक के देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर के अंदर। और जो कोडी रोड्स और रोमन रिंग्स का मैच रेसलमेनिया के लिए बिल्डअप हुआ है ये दोस्तों बुक किया था दरोक ने, और ये चीज़ दोस्तों दरोक का डिसीजन था। और फाइनली दोस्तों दरोक ने यहाँ पर ये भी बताया कि कोडी रोड्स इस साल अपनी स्टोरी को फिनिश करने वाले हैं, ये चीज़ मेरा डिसीजन था और इसी के साथ साथ मैंने फैंस की रिस्पेक्ट करते हुए इस चीज़ को डिसाइड किया था। दोस्तों इसके बाद दरोक ने यहाँ पर रिवील किया कि यहाँ पर जो ब्रायन है जो कि WWE के हेड राइटर हैं काफ़ी सालों से और दरोक के काफ़ी क्लोज फ्रेंड भी हैं, दोस्तों उन्होंने आइडिया पिच किया दरोक के सामने कि रेसलमेनिया का जो Night 1 का मेन इवेंट है वो हमें टैग टीम मैच देखने को मिल जाए रोमन रिंग्स एंड दरोक वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस के बीच में, और जो इस मैच का रिजल्ट होगा वो इम्पैक्ट डालने वाला है Night 2 के मैच के ऊपर। और इसके बाद दोस्तों दरोक ने इस बारे में बात करी और जो ये आइडिया था ये दोस्तों लॉक हो गया। और इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्री के अंदर फोटोशूट्स दिखाए जाते हैं और भाई साहब क्या कमाल के फोटोशूट और वीडियोज हमें देखने को मिले हैं। रोमन रिंग्स और दरोक हमें एक साइड पर देखने को मिल रहे हैं, कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस एक साइड पर देखने को मिल रहे हैं, जो रेसलमेनिया का ट्रेलर हमें देखने को मिला था किस तरीके से वो शूट हुआ वो भी दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर दरोक बोलते हैं कि मैंने इसके बाद निक एंड एरी को कॉल किया जब मैं हुआवी के अंदर था, और इसके बाद यहाँ पर दरोक ने बोला कि दरोक अब बनने वाला है फाइनल बॉस, और इसके बाद निक ने बोला लव इट और एरी ने बोला फकिंग लव इट। तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को दरोक ने मेंशन किया और दोस्तों ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल तरीके से दरोक ने परफॉर्म करी। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेथ रॉलिंस की जो रिकवरी है, हम सभी को पता है कि सेथ रॉलिंस को भी लेग के अंदर नी के अंदर इंजरी हो गई थी, तो दोस्तों किस तरीके से सेथ रॉलिंस ने भी उस चीज़ को रिकवर किया, ट्रिपल एच ने उनकी मदद करी, दरोक ने उनकी मदद करी, तो दोस्तों इस चीज़ को भी दिखाया गया। इसके बाद दोस्तों दरोक ने अपने करेक्टर के अंदर तो चेंज दरोक लाए, जहां पर फाइनल बॉस वाला उनका हमें करेक्टर देखने को मिला, और इसके बाद दरोक ने डिसाइड किया कि वो अपने एंट्रेंस के अंदर भी चेंज करने वाले हैं, तो किस तरीके से उनकी एंट्रेंस को भी रीबिल्ड किया गया वो भी दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाया गया। और दोस्तों दरोक ने ये बात बोली कि जो मेरा फाइनल बॉस वाला डिसीजन था करेक्टर के अंदर लाने का वो दोस्तों मेरी हिस्ट्री का सबसे बेस्ट आइडिया था। इसके बाद दोस्तों दरोक ने किस तरीके से फैंस को ट्रोल किया, कोडी रोड्स के बारे में उन्होंने गाना गाया, कोडी क्राई बेबीज के लिए उन्होंने गाना गाया वो भी दोस्तों उन्होंने यहाँ पर दिखाया। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक साइड पर यहाँ पर कोडी रोड्स हमें देखने को मिल रहे थे, जहाँ पर कोडी रोड्स स्टेडियम से हमें देखने को मिले। कोडी रोड्स ने यहाँ पर बताया कि जो फीलिंग है वो इस साल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि पिछले साल मैं हार गया था लेकिन इस साल जो मेरी फीलिंग है वो इस स्टेडियम से, इस रेसलमेनिया से काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है। और एक साइड पर दोस्तों रोमन रिंग्स यहाँ पर हमें जिम के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर रोमन रिंग्स वर्कआउट करते हुए बता रहे हैं कि इस पूरी स्टोरी लाइन को मैं काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा जो क्रिएटिव हैं वो हमें आइडियाज़ देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों ट्रिपल एच ने एक बात और रिवील करी थी कि ट्रिपल एच के साथ साथ यहाँ पर दरोक, रोमन रिंग्स, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस जो चारों सुपरस्टार्स हैं और भी जितना भी स्टाफ है WWE कंपनी का पूरा यहां पर जुट गया था कि किस तरीके से रेसलमेनिया 40 को सबसे बड़ी रेसलमेनिया बनाया जाए। और दरोक ने और ट्रिपल एच ने यहां पर सभी को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें यह भी दिखाया गया कि जो रेसलमेनिया के अंदर दरोक की एंट्रेंस हमें देखने को मिली थी, किस तरीके से उस एंट्रेंस को तैयार किया गया था, दरोक और ट्रिपल एच ने मिलकर उस एंट्रेंस को तैयार किया। इसी के साथ साथ रोमन रेंस की जो Night 2 के ऊपर बैंड वाली जो एंट्रेंस हुई थी वो भी दोस्तों दिखाई गई कि रोमन रेंस किस तरीके से अपनी एंट्रेंस करने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों सीधा हमें डॉक्यूमेंट्री के ऊपर इनके मैचेस दिखाए जाते हैं, जहां पर Night 1 और Night 2 के ऊपर जो इनके मैचेस हुए थे उनकी हाइलाइट्स दिखाई जाती हैं। और अब दोस्तों फाइनली कोडी रोड्स ने अपनी स्टोरी को तो फिनिश कर लिया, और इसके बाद कोडी रोड्स ने बताया कि मेरी स्टोरी तो फिनिश हो गई, लेकिन अब मेरे अंदर एक क्वेश्चन ये था कि अब आगे क्या होने वाला है,
क्योंकि दोस्तों रेसलमेनिया 40 तो हो चुकी थी, ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑल टाइम हमें देखने को मिली। और कोडी रोड्स जब बैक स्टेज जाते हैं तो कोडी रोड्स दोस्तों सभी जो सुपरस्टार्स है जो वहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं, जॉन सीना है, अंडरटेकर है, केविन ओन्स, वो हमें देखने को मिल रहे हैं, वो दोस्तों उनको हक कर रहे हैं और साथ ही साथ अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन कोडी रोड्स ने यहाँ पर यह बात रिवील करी कि अब आगे क्या होने वाला है, ये दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन था। और इसके बाद डिसाइड किया गया कि अब नेक्स्ट होने वाला है यहाँ पर कोडी रोड्स एंड द रोक, रो आफ्टर रेसलमेनिया के अंदर जो हमें सेगमेंट देखने को मिला था द रोक एंड कोडी रोड्स का, उसको यहाँ पर फिर से दिखाया गया। और यहाँ से दोस्तों ये क्लियर हिंट है कि कोडी रोड्स और द रोक का हमें मैच डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी हमें डॉक्यूमेंट्री देखने को मिलती है। और भाई साहब इस डॉक्यूमेंट्री को देखते हुए पूरा एक वेब सीरीज वाला जो मज़ा है वो दोस्तों आया है। तो आप इसको WWE के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। वैसे दोस्तों मैंने पूरी हिंदी में आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से जो रेसलमेनिया 40 है वो हमें देखने को मिली थी, प्लान्स के अंदर किस चीज़ किस तरीके से चेंजेस हुए। लेकिन जो ये डॉक्यूमेंट्री थी ये भाई काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली है, WWE ने काफ़ी अच्छा इसके ऊपर काम किया है। तो वीडियो अगर दोस्तों पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अगर आपकी कोई राय है तो आप मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। तो दोस्तों और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।